नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संभल जिले में अंतर जनपदीय लूट गैंग के 6 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। कुछ दिन पहले ही बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूट की घटना को अंजाम दिया था और विरोध करने पर वहां पर उन्होंने 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था। आपको बता दें कि लूट की अन्य योजनाएं बनाते समय बहजोई थाना पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो भी अलग अलग जिलों में। पुलिस को बदमाशों के पास से भारी मात्रा में असलाह भी बरामद हुआ है, साथ ही लूटी गई नकदी भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाशों में से एक अपराधी जिसका नाम नवरत्न बताया जा रहा है, वो BTC और ट्रेड पास है। हाँ, जनपद संभल में हमारा जो बहजोई थाना क्षेत्र है, यहाँ पे एक शराब का सेल्समैन है, उसके साथ लूट की घटना हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें जो लूट की घटना हुई उसमें जो लुटेरे थे उन लोगों ने फायरिंग भी किया, जिसमें सेल्समैन जो था एक गले में उसके चोट लगी थी फायरिंग की, और उसके बाद एक दूसरा जो सेल्समैन का साथी था उसके सर में चोट लगी थी। इन सभी को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था और पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद टीमें गठित की गई, हमारे एडिशनल और हमारे CO के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और हमारी SOG और थाना बहजोई की टीम इसमें लगी हुई थी। सभी ने मिलकर के एकदम बहुत ही अथक प्रयास से इस पूरे केस का एकदम सफल अनावरण किया है। इसमें पूरे घटनाक्रम में प्रकाश में ये आया कि ये 6 अपराधी इसमें शामिल थे जो लगातार इस क्षेत्र में कई लूट और चोरियों का अपराध कर रहे थे। वो पूरे अपराधी पकड़े गए हैं और जितना लूटा गया सामान था वो पूरा का पूरा पैसा बरामद हुआ है इस केस में, और ये सभी अपराधी अब जेल भेजे जा रहे हैं। जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये प्रकरण निकल के आया कि ये पहले से ही घात लगाए हुए थे, और ये इसमें जो मेन मुलजिम है इसमें ये वीरेश कुमार इसमें साथी क्रिमिनल है, वही गैंग लीडर है इनका, और पूरे इसमें कुछ नए लड़कों को भी शामिल करके वो अपराध में शामिल कर रहा था। अभी घटनाक्रम में इसने कुछ क्षेत्र जो हमारा पवासा का क्षेत्र है वहां से ही इसने कलेक्शन एजेंट का पीछा करना शुरू किया। वो बोलेरो गाड़ी से आ रहा था, भवन गांव की तरफ जो इनका अड्डा है वहां पे जा रहा था कलेक्शन एजेंट, और उसका ये पीछा कर रहे थे पवासा की तरफ से। पीछा करते हुए गए और जब वहां पे घेराबंदी किए, उसे लूटने का प्रयास किए जो कलेक्शन एजेंट था, तो उसने प्रतिरोध किया। प्रतिरोध में इन लोगों ने मारपीट की और फायरिंग कर दिया। फायरिंग में एक जो इंद्रपाल व्यक्ति था उसके गले में चोट लगी और जो दूसरा साथी था उसके सर में इन्होंने बट से मारा और पैसा लेकर के पूरा लूट करके भाग गए थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, इसमें जो नए इंट्रोड्यूस होने वाले अंडर ट्रेनी टाइप के क्रिमिनल्स थे वो भी पकड़े गए हैं और गैंग लीडर भी पकड़ा गया है। तो पूरा ये गैंग 6 लोगों का पकड़ा गया है और इस तरीके से अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है और क्षेत्र में अब अपराध पे प्रभावी अंकुश लगेगा। इनके पास से भारी मात्रा में तमंचे बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं, लूटी गई पूरी संपत्ति बरामद हुई है, मोबाइल बरामद हुई है, करीब 1,57,000 रुपए की संपत्ति है जो बरामद हुई है, और करीब 6 तमंचे कारतूस और मोबाइल जो लूट में प्रयुक्त हुए थे और जो लूट में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुई है, और इस तरीके से सारा सामान बरामद हुआ है इनके पास से। एक घटनाक्रम ये और भी कारित करना चाह रहे थे जो आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। हमारे DM साहब के बंगले के पास में एक जिला पंचायत सदस्य रहते हैं, वहां पे भी इन लोगों ने प्रयास लूट का प्रयास किया था, लेकिन हमारी मोबाइल जो 250 की मोबाइल ड्यूटी थी वो सतर्क रूप से वहां गश्त कर रही थी, तो ये अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए और इन्होंने वहां पे घटना कारित करने का प्रयास छोड़ दिया। इसी तरीके से ये घटना कारित एक बहजोई इस्लाम नगर रोड पर ये पुनः एक प्लानिंग बना रहे थे घटना कारित करने के लिए, और वहां पे फिर हमारी SOG की टीम और हमारी बहजोई थाना क्षेत्र की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और अब जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।